शहर जहाँ 40 दिनों तक रात होती है। सूरज की रोशनी और सूरज की ऊर्जा जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धरती पर एक शहर ऐसा भी है जहाँ 40 दिनों तक सूरज निकलता ही नहीं है। वहाँ पर 40 दिनों तक दिन और रात अंधेरे में डूबा रहता है। जिस शहर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है उसका नाम मर्मांस्क है। यह शहर रूस में स्थित है। इस शहर में 2 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक लोग अंधेरे में जीवन व्यतीत करते हैं। 6 हफ्तों तक रहने वाली पोलर नाइट्स एक प्राकृतिक घटना है जो पोलर सर्कल के उत्तर में रहने वाले इलाकों में देखने को मिलती है। मर्मांस्क रूस के 29 शहरों में से एक शहर है जो आर्कटिक सर्कल पर मौजूद है। आर्कटिक सर्कल पर मौजूद होने के कारण यहां साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब सूरज पूर्व में 2400 घंटे नजर आता है। वहीं कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब सूरज बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। इन दिनों को पोलर डेज और पोलर नाइट के नाम से जाना जाता है। हर साल मई से जुलाई के बीच पोलर डेज जारी रहते हैं। 22 मई से लेकर 23 जुलाई तक इस शहर में सूरज डूबता ही नहीं है, मतलब कि वे इन दिनों दिन के 2400 घंटे सूरज के उजाले में जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि दिसंबर से लेकर जनवरी तक यहां पोलर नाइट्स जारी रहते हैं। 2 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक यहां सूरज नहीं निकलता, मतलब वे इन दिनों अंधेरे रातों में रहते हैं। आर्कटिक सर्कल पर दुनिया की कुल 7 देश मौजूद है जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क है। आर्कटिक सर्कल वह क्षेत्र है जहां सूरज मई और दिसंबर के बीच लगातार 2400 घंटे के लिए होराइजन के ऊपर या नीचे रह सकता है। अगर सूरज ऊपर में होता है तब कुछ दिनों तक लगातार सूरज चमकता रहता है, और अगर सूरज होराइजन से नीचे रहता है तो कुछ दिनों तक लगातार अंधेरी रात रहती है। मर्मांस्क के लोग इन 40 दिनों के अंधेरी रात में अपना जीवन बिल्कुल ही अलग ढंग से व्यतीत करते हैं। शहर की आबादी लगभग 3 लाख है। वैसे तो यह शहर दूसरी साम्राज्य के दौर का है। आर्कटिक सर्कल के अधिक नजदीक होने के कारण हर साल यहाँ के लोग 40 दिनों तक पोलर नाइट्स के ठंड में रहने को मजबूर होते हैं। इस समय यहाँ जाने वाले पर्यटकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बेहद ठंड और ठीक से नींद न आने के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जरूरत के हर सामान के लिए 40 दिनों तक उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग सिर्फ संघर्ष में ही दुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बल्कि इस दौरान वहाँ के लोग काफी मजे के साथ भी रहते हैं। इस दौरान यहाँ के लोग मछली पकड़ने का भी लुत्फ उठाते हैं, जगह जगह पर पार्टी भी करते हैं। इन दिनों की दिनचर्या के नियम बदल जाते हैं। हर समय रात होने की वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को समय का पता भी नहीं चलता, और कभी कभी घी होने के बाद भी समय का पता लगाना मुश्किल सा हो जाता है। इन दिनों यहाँ के लोग घर में सुबह जैसा माहौल बनाने के लिए अलग अलग तरह की लाइट और हल्के रंग के पर्दे लगाकर रखते हैं। घर के सारी चीजों का रंग ऐसा रखा जाता है कि अंधेरे का एहसास ही ना हो। उन दिनों इस शहर में चारों तरफ रोशनी की पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ बर्फबारी भी काफी होते हैं जिससे ठंड काफी बढ़ जाती है। इन दिनों यहाँ खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स भी देखने को मिलते हैं जो प्रकृति का सबसे बड़ा और सुंदर लाइट शो है।